श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, स्वागत है हार्दिक आपका इस सत्संग समारोह में। श्रीमद् भागवत गीता आह्वान करती है आप सबका, बुलाती है आपको, पान कीजिए इस सत्संग का। श्रीमद् भागवत गीता परम पवित्र शास्त्र है इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में, जो स्वयं भगवान श्री पद्मनाभ के मुख से निकला है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। आई भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्टकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता में सातवें अध्याय का निष्कर्ष भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, हम सब उनके हाथ की कठपुतली हैं। जो कुछ चल रहा है संसार में सब भगवान की इच्छा से है। भगवान की इच्छा प्रबल है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन कुछ कर्मों की जो उधेड़ बुन है, इसे भी भगवान ने मनुष्यों के लिए छोड़ दी, स्वतंत्रता दी है कर्मों में। कर्म जैसे जैसे व्यक्ति करता है वैसे वैसे ही फल चखता है। ऐसे ही समझिए जैसे कोई आंख बंद करके मार्ग में जाता हो तो उसको खतरा अधिक है कोई खड्डे में कुएं में गिर जाने का, कांटों में उलझ जाने का, कोई सांप बिच्छू के डस लेने का। लेकिन जो व्यक्ति आंखें खोल के मार्ग में चलते हैं उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि क्या भला है क्या बुरा है, तो फिर वो बुरे को नहीं अपनाते। अच्छे को अपनाते हैं जिससे अपना कल्याण हो, अपनी आत्मा का कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के अंदर ये प्राणी बार बार जन्म लेता है,
बड़ा होता है, बुढ़ापे में जाता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है। ऐसे सर्कुलेशन चलता ही रहता है। इसको ही चक्कर कहा है संसार का, व्हील, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जन्म मरण जरा व्याधि का चक्कर है, ये फिरता है। हजारों लाखों जन्म हम ले चुके और कभी कभी दूसरी दूसरी योनियों में मनुष्य योनि नहीं मिले तो नहीं मिले, कर्म ऐसे नहीं किए हो। कर्म क्या है? ये जितने भी हम कर्म करते हैं जिनका फल हमको चाहिए, इनका सार रूप हमारा शरीर है। पहले जो हमने कर्म किए, सारे पिछले जितने भी कर्म किए आज से पहले, उनका सार रूप ही हमारा शरीर है। बाकी तो हम कुछ लेके आए नहीं थे, शरीर लेके पैदा हुए मां के गर्भ से। तो ये शरीर लेके कैसे पैदा हुए हम? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये यही तुम्हारे कर्मों का फल है। जितने भी कर्म बचपन से मृत्यु तक आदमी करता है, उसके कर्मों का संचित फल, इकट्ठा किया हुआ फल ये शरीर है। तो कभी हमको मनुष्य का शरीर मिल जाता है जब ऐसे कर्म किए हों, मनुष्य का शरीर पाने की। कभी हमको सुअर का शरीर मिल जाता है, गधे घोड़ों का शरीर मिल जाता है, खच्चर का शरीर मिल जाता है। कैसा शरीर की हमने रचना की है, कैसे कर्म हमने किए, उनका सारांश फल स्वरूप ये हमारा शरीर है। और तो कुछ आप लाए नहीं, ये शरीर ही है सारा। ऐसे नाम अलग अलग रख दिए इसके, कोई कहता कि इंद्रियां हैं, कोई कहता है मन है, कोई कहता है बुद्धि है, लेकिन ये सारा डेवलपमेंट कर्मों का ही है और इसको शरीर ही कहा है। जो ब्रह्मांड को ब्रह्मांड ही कहा है, ऐसे इसको पिंड ही कहा है। ये बात अलग है कि इस पिंड में कुछ सोना है, चांदी है, लोहा भी है, जंक भी है, तो ब्रेन भी है, माइंड भी है, अहंकार भी है, इंद्रियां भी हैं। ये तो इसके अंदर के विषय वस्तु हैं, लेकिन मूल रूप से ये शरीर पिंड है। ये पिंड हमको प्राप्त होता है, कर्मों का फल है। आज हमने कर्म किए ऐसे कि हम ये शरीर को भोग रहे हैं, मनुष्य के शरीर में। इस मनुष्य के शरीर में रहते हुए हम ऐसे कर्म भी कर सकते हैं जो कभी देवलोकों में जाके देवता का जैसा शरीर मिल जाए, लाखों वर्ष की उम्र जिसकी होती है, हजारों गुना भोग सामग्री जहां पर होती है स्वर्ग के अंदर, या कोई ऐसे कर्म किए हो कि धनाढ्य पृथ्वियों पर जन्म हो जाए, राजाओं के कुल में जन्म हो जाए, या कुछ ऐसे कर्म किए हो कि हमको नरक लोक की प्राप्ति हो जाए और नरक में सफरिंग करना पड़ जाए, नरक भोगना पड़ जाए, या कोई पंछी पक्षी नाग कोबरा सिंह बाघ इत्यादि बनना पड़ जाए, ये हमारे कर्मों का फल ही ये शरीर है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये इच्छा द्वेष नाम का जो द्वंद है, जो मेरी इल्यूजरी पोटेंसी माया देवी की रचना है, ये भौतिक संसार माया देवी की रचना है, इल्यूजरी पोटेंसी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण क्रिएटेड हिज होल मेटेरियल वर्ल्ड, यू एंड मी टू। तो हमारे अंदर जो इच्छा है
और द्वेष है। इच्छा और द्वेष दो चीज मुख्य यहां पर कही है, आगे चल कर भी आपको जानकारी मिलेगी। भगवान जहां पर पूरे 24 तत्वों का वर्णन करते हैं, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश्यकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। यहां पर भी इच्छा द्वेष के विषय में कहा जाएगा। तो आदमी इच्छा करता है अपने आप को भगवान कहलाता है, कहने लगता है, तो फिर द्वेष करता है भगवान से कि कौन भगवान, मैं ही भगवान हूं। तो इसकी इच्छा होती है भगवान बनने की, इंजॉयर ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड, ही वांट टू बिकम ए मास्टर ऑफ मेटेरियल नेचर। ये आसुरी बुद्धि के कारण होता है। आसुरी बुद्धि में अंधकार होता है, ज्ञान होता है, भ्रम होते हैं, ये भ्रमित हो जाती है बुद्धि। भ्रमित होने से भगवान को तो भूल जाती है और खुद भगवान बनने के लिए इच्छा करती है। जो व्यक्ति खुद भगवान बनने के लिए इच्छा करता है, भगवान को नहीं मानता, भगवान को ठुकरा देता है, नकार देता है, इग्नोर करता है, उसके कारण इसके ये जन्म मरण शुरू हो जाते हैं। फिर बार बार ये जन्म लेता है, भगवान को भुला देता है, स्वयं भगवान बन जाता है। भगवान को भुलाओगे तो फिर स्वयं भगवान बन जाओगे। ये आसुरी बुद्धि के कारण ऐसा होता है, आसुरी स्वभाव के कारण होता है, राक्षसी स्वभाव के कारण कि मैं ही भगवान हूं। कौन भगवान, कौन कृष्ण, कौन विष्णु, कौन नारायण, ये हिरण्यकश्यप रावण इत्यादि में थी, वो भगवान को नहीं मानते थे। तो इनकी इच्छा प्रबल थी कि हम भगवान बन जाए। जैसे कि असुर बुद्धि वाले लोगों की होती है कि हमको लोग पूजा करें, हमारी लोग पूजा करें, हमको भगवान कहें, हमको सलाम करें सारा जमाना, हमारी जूतियों में सर रगड़े कि ओ भगवान, जय हो मेरे प्रभु। ऐसी प्रबल इच्छाएं ये मनुष्य के अंदर पैदा होती है तो फिर दूसरी ओर इसके हृदय में नफरत पैदा होती है कृष्ण से, राम से, शुद्ध भक्तों से, भगवान के नाम से। इसको नफरत पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है। ये बस इच्छा और द्वेष मूल रूप में द्वंद है। इसके बाद सारे द्वंद प्रकट हो जाते हैं इच्छा और द्वेष से। फिर इच्छा पूरी हो जाए तो सुख मिलता है, अपने आप को सुखी समझने लगता है, मैं सुखी हूं, मेरी इच्छा पूरी हो गई। और द्वेष पैदा होता है जब कोई अनैच्छिक विषय आ जाए। कोई नहीं चाहता कि बीमारी आए, कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, घर में आग लग जाए, किसी की मौत घट जाए, कोई नहीं चाहता। जब लेकिन ये होते हैं तो इनसे ये नफरत, इसको नफरत पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है कि ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये संसार का तो स्वभाव है, जिस माया देवी ने इसकी रचना की है कि ये पूरी तरह से द्वंद से निर्मित हुआ है। या सुख है तो दुख भी है, वरना दुख को, अगर दुख नहीं है तो सुख को पहचानोगे कैसे? रात है तो दिन है, आनंद है तो तकलीफ भी है,
कलेश है तो शांति भी है। तो ये सब इच्छा द्वेष से द्वंद का निर्माण होता है। तो संसार को भोगने की जो इच्छा करता है और भगवान से जो नफरत करता है, इन द्वंद्वों में जो घिर जाता है, वो व्यक्ति कृष्ण को कैसे समझेगा? कृष्ण को न समझने के कारण फिर ये संसार में ही रहेगा, यहीं बार बार जन्म होगा, मरण होगा, मृत्यु घटेगी, बुढ़ापा आएगा, गिर जाएगा, शरीर त्याग देगा, फिर जन्म लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप। हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये इच्छा द्वेष के कारण, इच्छा द्वेष रूपी द्वंद जब प्रकट होते हैं मनुष्य के हृदय में, तब तब ये यहां पर संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में चक्कर काटता है, चक्कर लगाता है, पुनः फिर इसके बार बार जन्म मरण होते हैं। ऐच्छिक विषय को तो स्वीकार करता है, अनैच्छिक विषय को नकारता है। ऐच्छिक विषय मिल जाए तो इसको सुख अनुभव होता है, अनैच्छिक मिल जाए तो दुख अनुभव होता है। समझो कि 100 डिग्री गर्मी आदमी को मिले तो घबरा जाता है, दुख होता है कि इतनी गर्म, और नीचे उतर के 0 डिग्री आ जाए तो ये ठंड से घबराता है, दोनों तरफ से इस दुखी होता है। लेकिन जब 65 डिग्री 70 डिग्री तापमान होता है तो कहता है कि आज अच्छा दिन है, आज सुखी है। तो इसकी ऐच्छिक विषय इसको मिल गया कि हमको ये चाहिए था, तो ये सुखी होता है, सुख अनुभव करता है, और अनैच्छिक विषय आ जाए दुखी होता है। इसलिए तो न्यूज वाले बोलते हैं कि बैड वेदर, आज का मौसम अच्छा नहीं, गस्टी विंड दिस एंड दैट। लेकिन अच्छा होता है तब बोलते हैं कि एंजॉय वेरी नाइस सन सनशाइन, टेम्परेचर 70 डिग्री, तो बड़ी खुशी के साथ बोला जाता है। तो वेदर देखते हैं कभी कि अच्छा है तो आनंद होता है, सुख मिलता है, बुरा है तो दुख मिलता है। ये डुअलिटीज है, ये द्वंद है। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत, ये संसार मोहित हो रहा है पूरा, सर्वभूतानि सम्मोहम, सारे भूत प्राणी इससे इफेक्ट होते हैं इच्छा और द्वेष से। किसी से द्वेष करोगे तो आपके ऊपर बुरा असर आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, टेंशन खड़ा होगा, टेंशन में फ्रस्ट्रेशन, डायबिटिक्स, हाई ब्लड प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सब कुछ दुख पैदा हो जाए। इच्छा करने से आपको आनंद आता है कि हम भी एक कार मोटर लेंगे, सोचते ही, इच्छा करते ही आपको आनंद आना शुरू हुआ, सुख मिलना शुरू हुआ, फिर आप कार ले भी लेते हैं, फिर बैठते तो फिर सुख, फिर आपको आनंद का पूरा अनुभव होने लगता है, या सुखी हो गया। तो सुख यहां पर आसक्ति में बांधते हैं, ऐसे ही जो द्वेष, ये आपको ये भी इफेक्टिव होते हैं, असर दिखलाते हैं अपना, ये भी बांधते हैं आपको। सुख और दुख दोनों ही बांधते हैं, दोनों ही बंधन का कारण है। जब आप भगवान से नफरत करते हो तो यहां पड़े रह जाते हो, और जब संसार भोगने की इच्छा करते हो और अपने आप को भी भगवान घोषित करने की घोषणा करते हो
लॉर्ड ऑफ द मेटेरियल नेचर बनना चाहते हो तब भी यहीं हटके रह जाते हो, तो फिर कैसे मोक्ष प्राप्त हो? फिर नहीं मोक्ष प्राप्त हुई। तो देखिए, आदमी जो है घर में अपनी पत्नी को भी अपनी प्रॉपर्टी मानता है कि मेरी पत्नी है, मेरी बिल्डिंग है, मेरी कार है, सब पर मालिकियत जमाना चाहता है, सब पर प्रॉपर्टीशिप का दावा करता है, ये मेरा धन है, ये मेरा बैलेंस, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा बंगला, ये मैं और मेरे के चक्कर में इसके इसको नुकसान होता है, भगवान की शरण में नहीं जाना चाहता, भगवान को मानता नहीं, नकारता है। इसलिए तो जब आप 16वें अध्याय का सत्संग सुनेंगे तो उसके अंदर मालूम चलेगा कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा में क्या भेद है। तो आसुरी संपदा में ये चीजें जानने को मिलेंगी कि असुर बुद्धि के कारण या असुर लोभ, बात एक ही है, मनुष्य भी दानव बन जाता है, मानव भी दानव बन जाता है, मानव राक्षस बन जाता है, मानव भूत बन जाता है, मानव प्रेत बन जाता है, मानव देव बन जाता है, मानव सब कुछ बन जाता है, मानव भगवान का दास बन जाता है तो भगवान को प्राप्त कर लेता है, और मानव जब खुद ही भूत बन जाता है तो कैसे भगवान प्राप्त होगा, प्रेत बन जाता है कैसे भगवान की प्राप्ति होगी करेगा, या खुद ही भगवान बन जाता है। बहुत से लोग हैं जो खुद को ही भगवान कहते हैं, बहुत से आडंबरी गुरु हैं जो अपने आप को ही भगवान कहते हैं, अपने शिष्यों को बोलते हैं कि कौ किस भगवान को ढूंढते हो, तुम्हारा गुरु ही भगवान है, और बड़े प्रेम से बड़े मीठी भाषा में सुरों में गाते हैं त्वमेव मात, तुम्हें गुरु जी की वंदना, गुरुजी की वंदना करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, बोलते हैं। श्लोक नहीं देखते? अरे श्लोक साफ साफ तो बोल रहा है, तुम्हारा गुरु ही परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म, तो ऐसे आडंबरी गुरुओं के चक्कर में कुछ बेबुद्धि के लोग पड़ जाते हैं, कुछ अहंकारी लोग पड़ जाते हैं कि आज हमारे गुरुजी पर ब्रह्म है तो कल हम भी तो पर ब्रह्म हो सकते हैं, शुद्धता पर आकर के हम भी पर ब्रह्म कहलाएंगे, तो ये पद्धति अच्छी है, ये गुरुजी अच्छे हैं, इनके आश्रम में रहो, इनकी संगत में रहो, इनसे दीक्षा ले लो और गुरुदेवाय नमः करते रहो, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। तो वो परम ब्रह्म को भूल करके आदमी खुद ही पर ब्रह्म बनता है। कल की अवतार के बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं, लोग दावा कर रहे हैं कल के अवतार आ गए साउथ इंडिया में, और उनके बड़े बड़े पिक्चर बना रखे हैं, लगाए हुए हैं। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा नहीं कहा गया, कल की अवतार भगवान का कलयुग का अवतार है, लेकिन वो कलयुग के तीसरे चरण में जाके आएंगे, ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है। तो अभी तो कलयुग का प्रारंभ भी नहीं हुआ, प्रारंभ हो गया तो 5000 वर्ष बीते हैं कलयुग के, 432,000 वर्ष की आयु कलयुग की है, तो 5000 वर्ष बीते, कल के अवतार प्रकट भी हो गए और उनके हजारों शिष्य भी बन गए। अभी वो घोड़े पे है कि नहीं ये तो मैंने नहीं देखा, मैंने तो फोटो देखी है बड़ी बड़ी लगी हुई कहीं पर, अमेरिका में
फिर जाके उनको एक परम ब्रह्म परमेश्वर लोग मानेंगे कि कल की अवतार है ये, तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं। नहीं, गुरु एक भगवान का मैसेंजर होता है, प्रतिनिधि होता है। जिस गुरु ने भगवान को जान लिया है, पहचान लिया है, जिस गुरु ने वो परमेश्वर का रस चख लिया है, वो दूसरों को भी बताता है उसका स्वाद, दूसरों को भी उस रस को पिलाने की चेष्टा करता है भगवान का दास बन करके, उस परमेश्वर को प्रणाम करके। चैतन्य महाप्रभु से कोई पूछते थे कि आप कौन है जी, तो चैतन्य महाप्रभु बंगला भाषा में बोलते थे, मैं दासानु दासानु दास छू, मैं दासों के दासों का दास हूं। ये गुरु की पहचान है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना अमान देन कीर्तनया सदा हरि। जो सदैव उस हरि का, गोविंद का कीर्तन करता हो, अपने मान की इच्छा न करता हो और सभी को सम्मान देता हो, पेड़ के समान सहनशील हो, ऐसे सद्गुण जिस गुरु के अंदर हो, कीर्तन है सदा हरि, वो भगवान का एक भक्त होता है, शुद्ध भक्त, जिसने भगवान को पहचाना है, जाना है, भगवान के साक्षात्कार जिसने किए हैं, उसको गुरु बनने का अधिकार है। सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु नुषाद वैष्णवा स्वप्चो गुरु। आडंबरी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। जो भगवान का भक्त है उसको गुरु बनने का अधिकार है। नानकता का दास है, नानक देव स्वयं भगवान के दास बन दासता को स्वीकार करते हैं। नानकता का दास है सोई निरंजन देव, एकम कृष्णम सर्वदेव देवात्मा, आत्मम वासुदेवश्च जाको जान भेव। नानक जाका दास है सोई निरंजन देव, धन धन रोमा मेघावली जय कृष्ण ओढ़े कामली, धन धन वृंदावन जा खेले श्री नारायण। भगवान का परिचय देते हैं उनके शुद्ध भक्त और वो उनकी दासिता स्वीकार करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है कि मैं हूं परम पुरुष को दासा, जग देखना है तमाशा।